शांति। 11/6/2024 मधुर संतान गण, एबे तुमको संपूर्ण हेबा को पड़िबो, कारण घर को फेरिबा को हेबो एवं पुणी पवित्र दुनिया को आसीबा को हेबो। प्रश्न, संपूर्ण पवित्र हेबार उपाय कौन? उत्तर, जदि संपूर्ण पवित्र हेबा को चाहुंच तबे संपूर्ण निस्स हो जाओ। देह सहित सब संबंध को भूल एवं मत्ते मने पकाओ, तबे जाय पवित्र हेब। एबे तुम्हे माने ही आखिरे जहाँ सब देखुच ता सब विनाश हेबा को जाउछ। सेतिपाई धन संपत्ति वैभव आदि सब किछि भूली निस्स हो जाओ। एही भले निस्स बा भिकारी ही राजकुमार हेबे। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान मानको आत्म पिता बुझाउछंती। पिला माने एक कथा भल भाव रे बुझाउछंती जे प्रत्येक आत्मा आरंभ रे पवित्र थांती। आमे ही पवित्र थिलु। पतितरु पावन शब्द आत्मा ही कुहा जाई थाए, आत्मा पाई ही कुहा जाई थाए। आत्मा पवित्र थिबा समय सर्वदा सुखी हुई रही थाए। एबे बुद्धि रे रहुचि जे आमे पवित्र हेले पवित्र दुनिया रा मालिक हेबु। एथि पई ही पुरुषार्थ करुचंदी। 5000 वर्ष पूर्वरु पवित्र दुनिया थिला, एठारे अधाकल्प तुमे पवित्र थिलो, बाकी रहिला अधाकल्प। एक कथा आउ केही बुझी परिबे नाही, तुमे जानिछ पतित ओ पावन सुख ओ दुख दिन राति अधा अधा अटे। जदि बहुत बुद्धिवान बहुत भक्ति करिछंती तेबे एही कथा को भल भाबरे बुझिबे। बाबा कहुछंती मधुर संतान माने तुमे पवित्र थिलो, नुआ दुनिया रा केवल तुमे ही थिलो, बाकी समस्त आत्मा माने शांति धाम रे थिले। प्रथमे प्रथमे आमे अल्प संख्यक आत्मा थिले, पवित्र थिले, पुणी क्रमानुसार मनुष्य सृष्टि रा वृद्धि हेला। वर्तमान तुमर मधुर संतान मानको किए बुझाउछंती? बाबा आत्मा मानको परमात्मा पिता बुझाउछंती। एहाकु संगम कुहा जाउछि एवं एहाकु ही कुंभ मेला कुहा जाउछि। मनुष्य माने ही संगम युग को भूली जाउछंती। बाबा बुझाउछंती चारोटी युग थाए, पंचमटी हेउछि एही छोट एवं लिप संगम युग। एहाकु आयु सब एहार आयु सबुठारु कम। बाबा कहउछंती मु एहांकर बहुत जन्मर अंतिम जन्मर बानप्रस्थ अवस्था रे प्रवेश करुछि। तेबे पिला माने एहाकु सम्मान देउछंती ना? बाबा एहांकर इन ब्रह्मांक भितरे प्रवेश करिछंती। एहांकर जीवन कहानी को मध्य सुनाउछंती। बाबा कहउछंती मु आत्मा मानंकर सही वार्तालाप करुछि। आत्मा एवं शरीर उभयंकर एकत्र अभिनय होइथाय, एहाकु जीवात्मा कुहा जाय। पवित्र जीवात्मा एवं अपवित्र जीवात्मा तुम मानक बुद्धि रहिछि जे सत्य युगर बहुत कम संख्यक देवी देवता थांती। पुणी निज पाई मध्य कहिबे आमे जेउ जीवात्मा माने सत्य युगरे थिलु पवित्र थिलु पुणी चौरासन परे पतित होई जाइछु। पतितरु पवित्र पवित्ररु पतित ए चक्र घुरी चलिछि। ए पतित पावन बाबांको ही समस्ते मने पकाइ थांती। प्रति 5000 वर्ष परे बाबा आसंती ए स्वर्गर स्थापना करि थांती। भगवान हेउछंती एक, निश्चित रूपरे से ही पुरुणा दुनिया को नुआ करिबे। तबे नुआ को पुरुणा किए करुछंती? रावण। काहेकिना रावण ही समस्त को देह अभिमानी करुछी। तबे शत्रुर कुशपुतलिका दाह करा जाए, मित्रर दाह करा जाए नाही। समस्तंकर मित्र होउछंती एक बाबा, जे कि समस्तंकर सद्गति करी थांती। तंकु समस्ते मने पकाइ थांती, काहेकिना सेही होउछंती समस्तंकर सुखदाता। तबे निश्चित दुखदाता मध्य कई थिबे। पांच विकार रूपी रावण ही दुखदाता अटे। अधाकल्प रामराज्य, अधाकल्प रावण राज्य। स्वस्तिक चिन्ह देखाई थांती ना, यार अर्थ मध्य बाबा बुझाउछंती। सेथिरे पूरा समान समान चारि भाग रही थाए, टिके भी कम बेसी होई न थाए। एही ड्रामा बहुत निर्भुल भाव रे तयारी होईछि। केहि केहि भावुछंती एही ड्रामा को मुक्ति मिली गले भल, कारण एथिरे बहुत दुख रहिछ एवं एहा अपेक्षा तो
ज्योति सह मिशिबारे बा ब्रह्मरे लीन होइजवा श्रेयस्कर। किंतु केही हेले मध्ये ड्रामा रु मुक्त होइ परिबे नाही। किभळी किभळी अजब संकल्प सब करुछंती, भक्ति मार्गरे एही सब भिन्न भिन्न प्रकार प्रयत्न करिथांती। सन्यासी देह त्याग कले केबे हेले कुहंती नाही जे स्वर्ग बा वैकुंठवासी हेले। केवल प्रवृत्ति मार्गी माने ही कुहंती जे स्वर्गवासी हेले। आत्मा मानंकु स्वर्गर स्मृति त रहिछि ना, स्वर्गर स्मृति त तुम मानकर सबुठारु अधिक रहिछि। तुमको उभयर इतिहास भूगोल जना अछि, अन्य काहाकु जना नाही। तुमको मध्ये जना नथिला, बाबा बसी पिला मानंकु समस्त रहस्य बुझाउछंती। या उचि मनुष्य सृष्टि पे वृक्ष, वृक्षर निश्चित रूप बीज मध्ये रहिबा दरकार। बाबा बुझाउछंती पवित्र दुनिया किभळी पतित होउछि, पुणि मु आसी ताकु किभळी पवित्र करूछि। पवित्र दुनिया को स्वर्ग कहा जाए, स्वर्ग आज अतीत हो जाऊछि, पुणि निश्चित यार पुनरावृत्ति हेब। तेणु कहा जाए विश्वर इतिहास भूगोल पुनरावृत्ति होइथाय, अर्थात विश्व पुराणर नुआ एवं नुआर पुराणा होइथाय। पुनरावृत्ति अर्थात ड्रामा, ड्रामा अक्सर बहुत भल शोभा पाउछि। चक्र अबिकल पूर्व भली घूरी चलुछि, निकटरु अबिकल कहाजीव नाही, नाटक को अबिकल कहाजीव नाही। दुनिया रे नाटक रे केही रोगी रोगग्रस्त हेले छुट्टी नहीं थांती। तुम मानकु बुद्धि रहिछि जे आमे पूज्य देवी देवता थिलु, पुणि पूजारी हेलु। बाबा आसी पतितरु पवित्र हेबार उपाय कहुछंती, जाकि 5000 वर्ष पूर्वरु कहिथिले। प्रथम शिक्षा देउछंती पिला माने, तुमे निजक आत्मनिश्चय कर एवं बाबा को मन पका। तुमको एत थर स्मृतिचारण कराऊ तथापि तुम्हें भूली जाऊछ। ड्रामार अंतिम समय पर्यंत भूलु थिव, अंतिम विनाश समय तुम पाठपढ़ा शेष होब, पुणी तुम शरीर त्याग करदेव। जेपरी सर्प मध्य पुराणा काति छाड़ी देना, तेणु बाबा मध्य बुझाऊंट तुम्हें बसवा उठवा चलवा बुलवा समय देही अभिमानी हो रुह। पूर्वर तुम देह अभिमान थिला, एबे बाबा कहुछंती आत्म अभिमानी हुआ। देह अभिमानी हेबा द्वारा तुमको पांच विकार अधीन करि देउछि। आत्म अभिमानी हेबा द्वारा कौनसी विकार अधीन करि परिबो नाही। देही अभिमानी होई बाबांको बहुत स्नेहर सह मने पकाओ। ए संगम जुगरे आत्मा मनको परमात्मा पितांकर स्नेह मिलुछि। ए समय पिता एवं पुत्रंकर मिलन हेउछि, तेणु यह को कल्याणकारी संगम जुग कहा जाए। तुम्हें आत्मा माने सर धारण करिछ, बाबा मध्य सर आधार नहीं तुमको आत्मनिश्चय कराउछंती। तुम्हें आत्मा माने सर धारण करिछ, बाबा कल्पे थरे मात्र आसी समस्त घर को फेराई नेउछंती। एक कथा मध्य बुझाउछंती जे तुमको किपरी घर को फेराई नेउछि। तुम्हें निजे मध्य कहुछ आमे समस्ते अपवित्र, आपण पवित्र अटंती, आपण आसी आमको पवित्र करंतु। तुम मानको जणा नथिला कि बाबा किभळि पवित्र करिवे, से पर्यंत जे पर्यंत पवित्र न करिनांती से पर्यंत कोण जानिवे। एकथा मध्य तुम्हें बुझुच जे आत्मा छोट तारका सदृश, बाबा मध्य सूक्ष्म तारका सदृश, किंतु से ज्ञानर सागर शांतिर सागर। तुमको मध्य तांक समान करुछंती। यही ज्ञान तुम संतान मान पाखे अच्छी, जहाद्वारा तुम्हें अन्य मान को बुझाऊ। कौन तुम्हें सत्ययुगे थिबा समय ये ज्ञान सुनाइबो ना? ज्ञानर सागर बाबा तो जड़े अटंती जे तुमको वर्तमान ही आसी पढ़ाऊंट। समस्त जीवन कहानी तो रहा दरकार ना? तुम माय सहित तो युद्ध चली, तुम्हें अनुभव करुच जे आम बाबा को मन पकाछ, पुणी भूली जाऊ। बाबा कहते माए ही तुम शत्रु अटे, जे कि तुमको बाबा स्मृति भुलाई देउछि, अर्थात बाबा ठार विमुख कराई देउछि। तुम्हे माने कल्पे थरे मात्र बाबा सम्मुख को आस, बाबा मध्य कल्पे थरे मात्र आसी संपत्ति दे थांती। यापर पुणी बाबा सम्मुख को आसवार आवश्यकता ही ना। पापात्मा पुण्यात्मा स्वर्गर मालिक कराई, पापात्मार पुण्यात्मा स्वर्गर मालिक कराइले बास। तापरे आसी पुणी कौन करिवे? तुम्हें मते डाकिल एवं मु निर्दिष्ट समय आसी पहुँची थी। प्रति 5000 वर्ष परे मु मोर निर्दिष्ट समय ही आसी थाए, यह क्या जाना नहीं।
ଶିବରାତ୍ରି କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିବରାତ୍ରିରୁ ଛୁଟି ଦିନ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଟି ଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିବବାବା ଆସି ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ଏହା ଏହାର ଅର୍ଥ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାରତରେ କେତେ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି, ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଶିବବାବା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ କରିବେ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନରରୁ ନାରାୟଣ କରାଇଲି। ସେମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୋଭା ପାଇବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ପୁନର ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟ କେହି ହେବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର କଥା। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ନିଜର ଅଭିନୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ, କିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି? ବାବା। ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ ନାହଁ, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ କି? ବାବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଏବେ ଏପରି କାହିଁକି କହୁଛ ଯେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବୁ? କାହିଁକି କହୁନା ଯେ ନରରୁ କୃଷ୍ଣ ହେବୁ? ପ୍ରଥମେ ନାରାୟଣ ହୋଇପାରିବ କି? ପ୍ରଥମେ ତ ରାଜକୁମାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେବ ନା। ଛୋଟ ପିଲା ତ ଫୁଲ ସମାନ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ନାରାୟଣ ତ ବିବାହ ପରେ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମହିମା ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତପ୍ରଧାନ କୁହାଯାଏ, ତୁମର ସ୍ମୃତି ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ରାଜକୁମାର ହେବୁ। ଗାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଗରିବରୁ ରାଜକୁମାର। ଗରିବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆତ୍ମା ଶରୀର ସହିତ ଥିବା ସମୟରେ ଗରିବ ବା ସାହୁକାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏହି ସମସ୍ତେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମକୁ ଏହି ସମୟରେ ଶରୀର ସହିତ ଗରିବ ହେବାର ଅଛି, ଯାହା ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ଆତ୍ମାକୁ ନିଶ୍ଚ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ତୁମେ ସେଠାରେ ଯାଇ ରାଜକୁମାର ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ନିଶ୍ଚ ହୋଇ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା, ପୁନର୍ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ରାଜକୁମାର ହୋଇ ଆସିବା। ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ଏହି କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ପୁନର୍ ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିବ। ତୁମେ ଯେତେ ଯେତେ ଅଧିକ ଧାରଣା କରିବ ସେତେ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାହା ପାଖରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ପୁନର୍ ଆମର ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛେ। ଏହାକୁ ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆସ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି, ବାବା ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଗରିବ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗରିବରୁ ସାହୁକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଯଦି ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ତେବେ ଭିକାରୀ ହେବଲ ନା? କିଛି ହେଲେ ବି ନିଜର ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଭାରତ ଏବେ ଗରିବ ଧନହୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଧନଶାଳୀ ହେବ। କିଏ ଧନଶାଳୀ ହେଉଛି? ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାଣୀ ବି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧନହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରାଜମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନା ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ ଅଛି, ନା ରତ୍ନ ଜଡ଼ିତ ମୁକୁଟ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦୁନିଆ। ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ସମାନ ହୋଇଗଲେ, କୁକୁର ବିଲେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅନ୍ଧାର ନଗରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ରାତି ଥିଲା, ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଜ୍ଞାନ ଦିନ ଆସୁଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଜାଗୃତ ଥାଏ, ଏବେ ଦୀପ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଜଳୁଛି। ଭାରତରେ ହିଁ ଦୀପ ଜଳାଇବାର ପ୍ରଥା ରହିଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ନଥାନ୍ତି। ତ ତୁମର ଜ୍ୟୋତି ଏବେ ତେଜହୀନ ହୋଇଯାଇଛି,
तुम्हें सतप्रधान आत्मा विश्वर मालिक थिलो, पुणी शक्तिक्षण होई एबे पूर्ण रूपरे शक्तिहीन हो जाइछ। एबे बाबा आसंती तुमको शक्ति देवा पाई, बैटरी चार्ज होउची। आत्मा को परमात्मा पितांकर स्मृति रहिबा द्वारा आत्मा रूपी बैटरी भरपूर हो जाइथाय। अच्छा, मीठा मीठा सिकिला दे संतान मानंक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते, आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश एक नंबर। एबे नाटक शेष होबा को जाउची, आमको घर को फेरी जीवा को हेबो। सेथिपाई बाबांकर स्मृति आधारे आत्मा को निश्चित सत्वप्रधान पवित्र करिबा को हेबो। बाबांकर भली ज्ञानर सागर शांतिर सागर एबे ही हेबा को पड़िबो। दुई नंबर, एई देह ठारु मध्य संपूर्ण निश्चय पाई बुद्धि रहु, जे आखिरे जहाँ किछि भी देखुच ता सबु विनाश होइ जिवो। मते निज निश्वरु राजकुमार हेबार अछि, आमे नुआ दुनिया पाई ही पाठ पढ़ुचे। वरदान, कौनसी प्रकार रो चमत्कार देखाइबा परिवर्ते अविनाशी भाग्यर चमकुथिबा तारका सदृश सिद्धि स्वरूप हुआ। आजिकाली जेउ सबु अल्पकाल सिद्धि प्राप्त करुथिबा आत्मा माने अछन्ति, सेमाने सृष्टि शेष समय रे उपरु आसुथिबा कारणरु निज निजर सत्वप्रधान स्थिति अनुसारे पवित्रतार फलस्वरूप अल्पकाल चमत्कारी देखाउछन्ति। किंतु सेमानंक सिद्धि सदाकाल पाई नुहे, काहेकिन अल्प समय भितरे सेमानंकु सत्व रजतम स्थिति को अतिक्रम करिबाकु पड़िबो। किंतु तुम्हें पवित्र आत्मा माने सदाकाल सिद्धि स्वरूप अट, कौनसी चमत्कार देखाया परिवर्ते समस्तंकु चमकुथिबा ज्योति स्वरूप आत्मा करिदेउछ। अविनाशी भाग्यर चमकुथिबा तारका करिदेउछ, सेथिपाई समस्ते तुम निकट रही आंजुली नेवापाई आसिबे। स्लोगान, जदि वायुमंडल बेहदर वैराग्य वृत्तिर होइथिव, तबे सहजोगी आत्मा माने सहज जोगी होइजिबे। अच्छा, ओम शांति।